ये कितना सुंदर सनसेट हो रहा है पनकोट में, जबरदस्त है। ये हमारे पनकोट वाले रिजॉर्ट का शाम का नज़ारा है। सामने पहाड़ पे बर्फ है, बेहतरीन सनसेट सामने हो रहा है। वो कार पार्किंग है हमारी, इतना वॉक करना होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अभी मैं हूँ अपने पनकोट वाले रिजॉर्ट में और आपको रिजॉर्ट टूर कराता हूँ अपने पनकोट वाले रिजॉर्ट का। टोटल यहाँ पे 32 रूम्स हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल है, गेम्स हैं। अगर उसके पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं आपको रिजॉर्ट टूर कराता हूँ। तो दोस्तों, जो हमारा ये पनकोट वाला रिजॉर्ट है, 32 रूम्स है, ये आप देख रहे हैं ऐसे कई ओपन स्पेस, ओपन रूफ बने हुए हैं, झूले हैं, सामने पहाड़ का व्यू है, सनसेट सामने होता है, सनराइज साइड होता है, ट्रैकिंग ऑप्शंस हैं, करीब मोर देन 350 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं यहाँ पे। नैना देवी बर्ड सेंचुरी या बर्डिंग नेशनल पार्क है ये, किलबरी फॉरेस्ट पास में ही है। इवन किलबरी फॉरेस्ट में टाइगर की मूवमेंट भी है। बाकी सारे जानवर, लेपर्ड वगैरह तो पहाड़ों पर हर जगह होते हैं, आपको मालूम ही है। तो अगर आप वर्क फ्रॉम माउंटेन्स करना चाहते हैं या क्वाइट एंड काम हॉलीडे आपको चाहिए, क्योंकि नैनीताल यहां से केवल 12 किलोमीटर दूर है, यानी नैनीताल जाने के लिए आपको 20 से 25 मिनट लगते हैं। अगर आप नैनी लेके बोटिंग करना चाहते हैं, 25 मिनट में आप जाके बोटिंग कर सकते हैं, मॉल रोड घूम सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको चाहिए शांति का वातावरण, कि आप अगर वर्क फ्रॉम माउंटेन्स कर रहे हैं, ऐसे आप खुली धूप में बैठ के काम करिए। वाईफाई भी है, जियो का टावर एकदम हमारे रिजॉर्ट के सामने लगा हुआ है, केवल जियो का आता है। अगर आप वर्क फ्रॉम माउंटेन्स करना चाहते हैं तो जियो का एक सिम लेके आ सकते हैं, नहीं तो वाईफाई हमारे पास है। यहाँ बहुत सारे ट्रैकिंग के ऑप्शंस भी हैं, सिगड़ी एक है, आगे हिल ट्रैक भी होता है, मेरा एक दूसरा वीडियो है, मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा उसका। तो एक हॉलीडे अगर आप ऐसा प्लान करते हैं, वर्क फ्रॉम माउंटेन्स हो या वैसे ही आपका एक हॉलीडे हो जिसमें आप चाहते हैं थोड़ा शांति हो, 32 रूम्स की प्रॉपर्टी है, अलग अलग सेक्शन में रूम डिवाइडेड है। जहां मैं बैठा हूं ये 11 रूम्स का सेक्शन है, 5 रूम नीचे उस साइड है, 2 रूम इधर है, और 14 रूम्स कॉन्फ्रेंस हॉल, डाइनिंग, किचन उस वाले ब्लॉक में है। पार्किंग हमारी अपनी पार्किंग है, मुश्किल से आपको 50 मीटर पैदल चलना होता है। तो ये सारी फैसिलिटीज अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल आप नेचर के बीच में रहें, किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, उसके बीच में आप बैठिए, इस तरह से हॉलीडे एंजॉय करिए, तो आपको आना चाहिए हमारे पनकोट वाले रिजॉर्ट पे। बुकिंग ऑप्शंस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो आइए मैं आपको रूम टूर कराता हूँ। जो सेक्शन है ये हमारा जंगल लॉज है। ये नीचे जो 4 रूम बने इसको हम जंगल लॉज बोलते हैं, और उसी के ऊपर वो बंकर बेड्स हैं। तो मैं एक एक रूम दोनों सेक्शन का दिखा देता हूँ आपको। पहले मैं सराउंडिंग्स दिखा दूँ। ये झूले लगे हुए हैं, ये सामने पहाड़ का व्यू है, पूरे में पहाड़ का व्यू आ रहा है, 360 डिग्री का व्यू है। ये नीचे वाला सेक्शन है जहाँ हमारे 14 रूम्स हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल है, डाइनिंग है, ये बॉनफायर एरिया है, तंदूर भी यहाँ लगा है स्नैक्स वगैरह के लिए। इसमें 2 रूम्स हैं, 5 रूम की कॉटेज हमारी उस तरफ है। फर्नीचर भी आप देखेंगे तो पूरा एंटीक या कॉलोनियल, जो अंग्रेजों के टाइम पे फर्नीचर होता था या राजा महाराजाओं के पैलेस में होता था, वो फर्नीचर यूज किया गया है। ये हमारे जंगल लॉज का रूम है। आप डबल बेड देखिए, यहाँ पे सोफा कम बेड है, नीचे व्हील्स लगे हुए हैं, पुल करेंगे इजीली डबल बेड बन जाएगा। टाइल्स वुडन कलर की टाइल्स लगाई हुई है, पैनलिंग है पूरे में वुडन, रूफ इस तरह से है। और ये जो आप देखेंगे डबल बेड, दोनों तरफ साइड टेबल है, इंटरकॉम है, इलेक्ट्रिक केटल, यहाँ टेबल चेयर रखी हुई है, ये अलमीरा है, ये लगेज स्पेस, और ये मिरर है। वॉशरूम देखेंगे तो मॉडर्न वॉशरूम है, अच्छा खासा स्पेस है, इतना स्पेस है वॉशरूम में। ये वॉश बेसिन, मिरर, और ये है डब्ल्यूसी। ये दोस्तों हमारे डुप्लेक्स हैं, बंकर बेड स्टाइल में डुप्लेक्स बेड बनाए हुए हैं। यहां से जो व्यू देखेंगे, इस तरह का व्यू आता है हिल्स का, इस तरह से रूम है, पूरा वुडन कॉटेज स्टाइल में। छत देखेंगे आप, पूरी वुडन है। बेड देखेंगे तो एक डबल बेड ऊपर है, एक डबल बेड नीचे है। इस साइड 2 चेयर, एक टेबल, ये ऊपर चढ़ने के लिए स्टेयर्स हैं। ये ऊपर का बेड देखेंगे, प्रॉपर डबल बेड है, 2 लोगों के सोने के लिए। सेफ्टी के लिए रेलिंग है,
कोई गिरे ना, बच्चे भी हों तो। और इतना ये वॉकिंग स्पेस है, एक छोटा सा स्टूल रखा है, चार्जिंग पॉइंट्स ऊपर ही दिए हुए हैं, ये मिरर, लगेज स्पेस और अलमिरा। पूरी वॉल्स में वुडन पैनलिंग की हुई है। वॉशरूम इस तरह का है, डुप्लेक्स रूम का, जो बंकर बेड स्टाइल में है। इतना स्पेस है वॉशरूम में। ये मिरर, वॉश मशीन और ये WC। जहां बंकर बेड है उसके सामने विंडो है ताकि धूप डायरेक्ट बेड पे आए, और नीचे भी विंडो है, बड़ी बड़ी विंडो है और डोर है जिससे आप सामने का नजारा ले सकते हैं। बाहर सिट आउट एरिया भी है। पूरे स्टोन की बनाई हुई कॉटेज है। स्टोन के एक ही तरह के पत्थर यूज किया गया है स्टेयर्स में भी, और पूरे जहां जहां वॉकवे है, झूले हैं, कॉटेजेस बनी हैं अलग अलग। ये सेक्शन मैंने अभी आपको दिखाया था जहां डुप्लेक्स रूम है, सामने व्यू है। और ऐसे अलग अलग जगह पे स्पेस बने हैं जहां पे आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम माउंटेन। आप ऐसे शेड में चेयर लगी है, यहाँ बैठ के अपना काम करिए नेचर के बीच में, सामने व्यू आ रहा है, नीचे स्टेयर्स हैं। अगर आपको धूप में बैठ के काम करना है तो धूप में बैठ के काम करिए, झूले में बैठ के काम करना है तो झूले में बैठ के काम करिए। सेक्शन हमारा ये है जो अलग अलग कॉटेज बनी है अलग अलग सेक्शन में। तो इस वाले पूरे ब्लॉक में 5 कमरे हैं, 2 ये फर्स्ट फ्लोर में, ऐसा व्यू आता है सामने से, 2 इसके नीचे वाले फ्लोर में और 1 इसके ऊपर है। वो ऊपर वाला मैं अलग से दिखाता हूँ। इन 4 रूम में से मैं एक रूम दिखा देता हूँ कि सारे रूम एक जैसे ही हैं। एंटर करते ही आप सबसे पहले सीलिंग देखिए, पूरी वुडन है। ये लगेज वगैरह रखने के लिए कबर्ड है। डबल बेड इस तरह से है, पूरा वुडन फर्नीचर है, वुडन पैनलिंग है। दोनों साइड साइड टेबल हैं, इंटरकॉम, इलेक्ट्रिक केटल, और इस तरह से ये नीचे वुडन कलर की टाइल्स हैं। साइड में इस तरह से सोफा रखा हुआ है, टेबल, एक साइड में ये मिरर लगा हुआ है। सामने छत के वहां पे एक रोशनदान दिया हुआ है, उसके नीचे TV, उसके नीचे एक बड़ी सी विंडो है जो थोड़ा बाहर को निकली है जिसमें आप बैठ भी सकते हैं। ये इसका वॉशरूम है, काफी स्पेशियस है। ये WC लगी हुई है, इतना स्पेस है इसमें। ये वॉश मशीन और मिरर। रूम का एक ब्लॉक बना हुआ है, इसमें भी कॉटेज रूम ही है। इसके सामने हमारा 2 रूम वाला सेक्शन ये आ जाता है। ये वो 14 रूम वाला सेक्शन है जिसमें डाइनिंग वगैरह है। व्यू यहां से ऐसा आता है सामने का, और यहां भी आप बैठ के काम कर सकते हैं। चेयर लगी है, टेबल लगी है, बालकनी, धूप आती है, और रूम इस तरह से है। सामने टेबल, चेयर, हेरिटेज स्टाइल में बेड बना है जो पहले राजा महाराजा के पैलेस में मच्छरदानी बांधने के लिए लगाए जाते थे, वो दिया गया है। डबल बेड इस तरह से है, एक साइड इलेक्ट्रिक केटल, एक साइड इंटरकॉम, दोनों साइड साइड टेबल है। ये मिरर, ड्रेसिंग टेबल स्टाइल में ड्रॉअर भी दी है इसमें। वॉल में पूरे में वुडन पैनलिंग की हुई है। ये सामने अलमीरा है, सामान रखने की जगह। विंडो देखेंगे तो एक विंडो साइड में है, एक विंडो सामने है, TV लगा हुआ है, और इस साइड दरवाजा है। वॉशरूम इस तरह से है, काफी बड़ा वॉशरूम है, इतना स्पेस है। ये WC और इतना स्पेस है। ये मिरर लगा हुआ है और ये वॉश बेसिन। 5 रूम वाला जो हमारा सेक्शन है उसमें ऊपर वाला रूम ये है, इस तरह से काम करने के लिए टेबल, चेयर, एक ये कॉलोनियल स्टाइल में पैलेस, जो हेरिटेज पैलेस होते थे उस तरह का टेबल या स्टूल है। ये डबल बेड है, इंटरकॉम, दोनों साइड साइड टेबल। ये इसका वॉशरूम है, WC, इतना स्पेस है। ये मिरर और वॉश बेसिन। ये रूफ टॉप का रूम है, थोड़ा साइज में छोटा है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी सी छत आती है सामने। 2 रूम का एक छोटा सा ब्लॉक ये है हमारा, 1 और 2 रूम। ये सामने वो बड़ी बिल्डिंग जिसमें कि 14 रूम है, डाइनिंग, कॉन्फ्रेंस, व्यू सामने से ऐसा आता है, हिल्स का व्यू है पूरा 180 डिग्री का, सामने ही सनसेट होता है ये। और ये हमारा दूसरा ब्लॉक जो 5 रूम वाला ब्लॉक है। यहाँ धूप में बैठ के काम करना है, आप धूप में बैठ के इंजॉय कर सकते हैं या काम कर सकते हैं।
रूम का जो सेट है वो स्वीट रूम है। ये सबसे पहले सोफा कम बेड है, अभी इसका सोफा खुला हुआ है तो एक डबल बेड ये हो गया। वॉल में वुडन पैनलिंग है, एक विंडो अंदर की तरफ खुलती है जिसमें कर्टन है। इसका मास्टर बेडरूम ऐसा है, ये डबल बेड, दोनों साइड साइड टेबल, इंटरकॉम, इस साइड इलेक्ट्रिक केटल है। सीलिंग देखेंगे तो इस तरह से है वुडन, और ये दो सोफे रखे हुए हैं। पीछे एक विंडो खुलती है, सामने टीवी, मिरर, एक टेबल है जिसमें दो चेयर है जिसमें आप बैठ के काम भी कर सकते हैं। फ्रंट व्यू इस तरह से आता है, सामने वो ड्राइंग रूम जिसमें सोफा कम बेड है, एक विंडो, एक ही छोटा सा ड्रेसिंग रूम भी है, लगेज वगैरह रखने के लिए कबर्ड है, काफी बड़ा सा वॉशरूम है। नीचे देखेंगे तो इतना स्पेस है इस वॉशरूम में। ये मिरर लगा है, वॉश बेसिन, और ये WC। ये हमारा तंदूर एरिया है पहाड़ों के बीच में, और यहाँ वॉश बेसिन लगा है, यहाँ सर्विंग काउंटर है। ये मेन बिल्डिंग है जिसमें डाइनिंग, कॉन्फ्रेंस हॉल और 14 रूम इस बिल्डिंग में है। रेस्टोरेंट है, इस तरह से टेबल एंड चेयर लगी हुई हैं, चारों तरफ ग्लास विंडो हैं। रेस्टोरेंट के साथ में वॉशरूम है, वॉश बेसिन, एक वॉशरूम इधर है, एक वॉशरूम यहाँ है। काफी बड़ा रेस्टोरेंट है और पूरा विंडो से बना हुआ है, कहीं भी वॉल नहीं दिख रही इस साइड में, पूरी विंडो ही विंडो है तो रोशनी भी आती रहती है। और काफी सारी टेबल एंड चेयर है, बीच में सेटअप है स्नैक्स वगैरह लगाने का, अदरवाइज बुफे काउंटर सामने है। वहां वाली वो जो डोर है, सामने वाला डोर किचन की तरफ खुलता है, एक बड़ा सा टीवी लगा हुआ है, बुफे लग जाता है मील्स के लिए। और ये सेटअप है रेस्टोरेंट का। पूल टेबल का रूम है, ये पूल टेबल हो गई इस तरह से, केवल ये डेडिकेटेड रूम है पूल टेबल के लिए। कॉन्फ्रेंस हॉल कम स्पोर्ट्स रूम है, जब कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है तो सेटअप इस तरह से कर दिया जाता है टेबल का, ये टेबल बाहर करके टीटी वगैरह की, अदरवाइज बोर्ड रूम है, कैरम रखा हुआ है, ये टेबल टेनिस है, और इसके बगल में ही पूल टेबल वाला रूम है। साथ में वॉशरूम है, वॉशरूम में एक वॉश बेसिन, एक वॉशरूम इस तरफ है, एक वॉशरूम इस तरफ है। इस तरह से आप देखेंगे काफी बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल है। ये जो मेन बिल्डिंग है जिसमें डाइनिंग भी है और 14 कमरे हैं, उसका रूम है, इस तरह के 6 कमरे हैं। ये डबल बेड है, दोनों साइड साइड टेबल है, इलेक्ट्रिक केटल, इंटरकॉम, इतना स्पेस है। ये मिरर, टेबल, ये दो चेयर रखी हुई हैं, ये हैंगर्स, और ये लगेज रखने के लिए कबर्ड। बाहर एक विंडो खुलती है, ये टीवी लगा हुआ है, और एक बड़ी विंडो साइड में खुलती है, इतना स्पेस है बेड के अलावा। ये वॉशरूम है, और ये WC, इतना स्पेस है, ये मिरर, और ये वॉश मशीन। इस तरह से गैलरी है रूम्स के बाहर। मेन बिल्डिंग में स्वीट रूम है सोफा कम बेड वाले, उसकी गैलरी ऐसी है, इसमें जो फर्नीचर है वो एंटीक फर्नीचर दिया गया है। अब फर्नीचर देखिए पूरा कॉलोनियल टच, या जो हेरिटेज पैलेस होते थे उस तरह का फर्नीचर गैलरी में है। रूम देखेंगे तो इस तरह से स्वीट रूम है, सबसे पहले एंटर करते ही सोफा कम बेड है, पुल कर लेंगे डबल बेड बन जाएगा। मेन रूम इस तरह से है, ये डबल बेड, साइड में इंटरकॉम, इलेक्ट्रिक केटल, दोनों साइड साइड रैक्स हैं। सामने देखेंगे तो कबर्ड, हैंगर, दो सोफा, इतना स्पेस और है। इस साइड देखेंगे टीवी, मिरर, टेबल, ये वॉशरूम है, ये WC, इतना स्पेस है, ये मिरर और वॉश बेसिन। सामने से देखेंगे तो काफी बड़े रूम हैं, पहले मेन रूम, फिर ड्राइंग रूम जिसमें सोफा कम बेड है, फिर बाहर गैलरी। मेन बिल्डिंग की बालकनी इस तरह से, काफी बड़ी सी बालकनी है, पूरे में धूप आती है। सामने का व्यू देखेंगे तो इस तरह का व्यू आता है,
180 डिग्री का व्यू है, सामने सनसेट होता है, नीचे का ये व्यू है। ये दो कॉटेज वाला सेक्शन, ये ऊपर वाला सेक्शन जिसमें बंकर बेड है डुप्लेक्स, नीचे कॉटेज रूम, वो सामने भी पांच रूम का सेक्शन, ये नीचे तंदूर वाला सेक्शन है। एल शेप में बालकनी है बड़ी सी, सारे रूम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अलग अलग फ्लोर में अलग अलग बालकनी है, इसके नीचे वाले फ्लोर में ऐसी ही दूसरी बालकनी है, यहाँ बैठ के काम भी कर सकते हैं। वो सामने जियो का टावर है और हमारे यहाँ वाईफाई भी लगा है। वो सामने हमारी पार्किंग है जो लाल गाड़ी खड़ी है, इतना आपको वॉक करके इधर आना है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन हमारे पनगोट वाले रिजॉर्ट के बारे में। बुकिंग इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।